दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने जीत के बावजूद किया टीम में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली रोमांचक जीत के बावजूद हीरो रहे दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और टीम में एक ऐसा माहौल बना दिया जिसके बाद जमकर विरोध हो रहा है। आखिरकार कौन से दिग्गज खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाकर रोजर बिन्नी ने इंटरनेट पर सनसनी मचाई है, जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा रोमांच बन चुका है, जहां भारतीय टीम ने पिछला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। लेकिन अब अगला मुकाबला भारतीय टीम का जिम्बाब्वे के साथ होगा, जो T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला भी होने वाला है। तो वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बावजूद बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपनी टीम में बड़े बदलाव करते हुए टीम का ऐलान किया। बीसीसीआई अध्यक्ष ने पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल को रखा है, जहां पर दोनों बल्लेबाज जिस अंदाज से अभी तक बल्लेबाजी करते हुए आए हैं उसी अंदाज से पारी को शुरू करेंगे और बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा रोजर बिन्नी ने मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए जीत के हीरो रहे विराट कोहली को उसी तरीके से टीम में शामिल रखा है और उनको टीम से बाहर निकालने की बिल्कुल भी गलती नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव को भी शामिल किया। हालांकि विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ऋषभ पंत के ना होकर दिनेश कार्तिक के ही रहेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन को इन्होंने शामिल किया, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जमकर बल्लेबाजी करना जानते हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी में भी काफी ज्यादा भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में इन दोनों को टीम से बाहर करना बहुत ही बड़ा गलत फैसला हो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के खिलाफ भारतीय टीम में रविचंद्रन अश्विन के साथ फिरकी गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल को ना खिलाकर यजुवेंद्र चहल को शामिल किया गया है, क्योंकि अभी भी यजुवेंद्र चहल ने एक भी मुकाबला वर्ल्ड कप का नहीं खेला है। ऐसे में उनको टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह को शामिल किया जाएगा। दोनों खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। ऐसे में दोनों को इसी तरीके से आगे भी जारी रखना होगा अपना प्रदर्शन। लेकिन भारतीय टीम में सबसे बड़ा बदलाव मोहम्मद शमी को बाहर का रास्ता दिखाकर किया गया, जहां उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी ने अभी तक अपने कद के अनुसार गेंदबाजी नहीं की है और अभी भी जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का उदाहरण नहीं दे पाए हैं वो। अगर मोहम्मद शमी अपनी और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करें तो भारतीय टीम को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन अब उनको एक मुकाबले में आराम दिया जा रहा है और उनकी जगह हर्षल पटेल को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा। इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी और सेमीफाइनल खेलने के लिए आगे बढ़ेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहेगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।